सो गाइस हैप्पी दिवाली। चलिए आपको टूर कराते हैं नोएडा का। नोएडा आज कितना सजा हुआ है, नोएडा के डेकोरेशन देखते हैं। सी हियर, सारी बिल्डिंगें बिल्कुल जगमग हो रही हैं इस टाइम पर। मोबाइल पकड़ना पड़ेगा, मतलब बात मार के निकल गया। मोबाइल भी जाएगा भैया, हमारे शॉप भी जाएंगे। हाँ यहाँ से देखो पूरा नोएडा जगमग आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए भाई साहब, ये देखो बिल्डिंग्स देखो। अब ये गैलेक्सी सफायर प्लाजा है, इधर ये हमारा सिटी है। चलो चलो ले लो। ये देखो क्या कर रहा है भाई तू? नहीं यार, एरिया अच्छा है गौर सिटी नोएडा का, पर यहाँ पे कुछ सोसाइटी बहुत अच्छी है। सोसाइटी के लिए भाई सर्विस रोड है, अभी कह रहा हूँ थोड़ा स्लो चलो। सर्विस रोड है ऊपर से नोएडा और उत्तर से ऊपर से उत्तर प्रदेश, ठीक है। कम्बिनेशन बड़ा अजीब है। देखो भाई ये गैलेक्सी डायमंड प्लाजा बिल्कुल जगमग हो रहा है। ये भी ये सब दिवाली का कमाल है। हैप्पी दिवाली बोलिए एक दूसरे को। हाँ इस वाले में लगता है आउटलेट्स वाले हैं। नहीं यहाँ पर वो भी है एक, मतलब मल्टीप्लेक्स भी है यहाँ पे और हमेशा खाली रहता है, लेकिन अदरवाइज मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी भी। हम लोग एक दो बार आए हैं मूवी देखने के लिए। ये भाई आपका गौर सिटी मॉल, गौर सिटी मॉल बोल। ये तो इस समय दिवाली में सारे मॉल जगमग रहते हैं, जितने शॉपिंग मॉल होंगे सारे बिल्कुल लाइट की चकाचौंध होगी सर जगह। वही चल रहा है इस टाइम पे। देखो मुझे लगता है यहाँ पे एक दिन में लाखों का बिल आ जाता होगा इन लोगों का, तो है ना दिवाली के दिन तो पूरा मॉल बिल्कुल लाइट से जगमगा रहा है। अभी भी कितना क्राउड है। अरे भाई ऐसा अभी तो कुछ, अभी कोई खास नहीं है, अभी थोड़ा कम हो गया। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जब हम लोग यहाँ शॉपिंग करने आए थे। ये अंदर का सीन है, ये है आपका गौर सिटी सेंट्रल मॉल। यहाँ पे चारों तरफ से अल्कोहल की शॉप है। हाँ मतलब अल्कोहल शॉप इस तरह है कि भाई जैसे आप लोग शॉपिंग करने जाते हो ना, हाँ तो भाई ये आप शॉपिंग करने जाते हो, हमने सामान उठाया जाके बिलिंग काउंटर में गए बिलिंग कराने के लिए, सेम यहाँ पे वाइन शॉप में होता है। जो भी ब्रांड आपको पसंद हो आप उसको उठाइए बिलिंग कराइए बस ले जाइए। बहुत ही स्टैंडर्ड बहुत ही प्रोफेशनल भी है। देखो हैप्पी दिवाली दिख रही है यहाँ पे। हाँ नो ठेके की तरह नहीं, ठेके तरह ठेके होती है यहाँ पे। हाँ ये बिल्कुल गौर सिटी है भैया, गौर सिटी। चलिए रहो अब यहाँ से दिखेंगे आपको प्रॉपर व्यू गौर सिटी के। देखा मुस्कुराइए आप नोएडा में। बीच वाली बिल्डिंग खुदा बिल्डिंग होगी लग रहा है, कोई लाइट नहीं है इसमें। कंस्ट्रक्शन चल रहा है जैसे इस बिल्डिंग में। भाई साहब आ गए थे रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
कमर्शियल है, इसमें कुछ एरिया काफ़ी मतलब सक्सेस है, कुछ एरिया सक्सेस नहीं है। हमारा रीज़न ये है कि मतलब शॉपिंग बहुत बुरा हो रहा है, अदरवाइज कमर्शियल बहुत अच्छा है। मतलब स्ट्रक्चर अगर देखा जाए सोसाइटी के पास में है, बगल में शॉपिंग मॉल है, पार्किंग व्यवस्था है, मेन रोड पे है, इसके लिए मुझे सब अच्छा लगता है। मैंने एक बार यहाँ पर आया था, अभी सरदार जी का ढाबा है, मैंने अभी चाउमिन खाई थी, बहुत अच्छी बनाते हैं। हम तो दोनों लोग यहाँ पर आए थे। सरोवर पोर्टिको में क्या है? ये भी एक क्लब टाइप का है और इसमें ना मतलब गोल्ड जिम होती है ना, कहते हैं ना जिम में जो गोल्ड जिम होती है बहुत ही स्टैंडर्ड जिम होती है ना, तो उसकी एक ब्रांच यहाँ पर भी है। एक तरह से पूरा क्लब है और शायद इसके अंदर जाने के लिए मुझे लगता है कि क्लब मतलब मेम्बरशिप लेनी पड़ती है। पूरी बिल्डिंग जगमग है भाई साहब, दिवाली के समय में तो अलग ही माहौल दिखता है यहाँ पे, इसलिए सोचा चलो आज यहाँ वीडियो बनाते हैं और दिखलाते हैं हमें नोएडा दिवाली में कैसे दिखता है। उसके बाद धनतेरस है, लेकिन धनतेरस से ले लेते हैं। हाँ वन से ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे तुम पता है तुम चाहो तो तुम वहाँ से लो, जहाँ से हम लोग पहले उसमें आए थे गए थे जहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अंदर थोड़ा ना रश हो सकता है, वहाँ पे बिल्कुल खाली रोड होगी इस टाइम पे, ये वाला भी कवर होता है। सर्विस लेन से ही लो, इतना इससे बिल्कुल खाली होगी, यहाँ पे कोई होगा नहीं, बड़े स्लोली चलो। देखो दोनों तरफ बिल्डिंग है, ये देखो आज कुछ कुछ फ्लैट आएंगे, डेकोरेशन बहुत अच्छा है ये वाला। अच्छा ये वाला, यहाँ पे चारों तरफ ना मतलब एक ही लाइट लगी हुई है, मुझे लग रहा है एक ही टाइप की। अब प्लस इसमें भी सोसाइटी में अभी कोई रहता नहीं है, अगर आप यहाँ पर घर वाला डेकोरेशन साइड कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं, कुछ एक दो फ्लैटों में लाइट जल रही है। भरा हुआ पूरा गौर सिटी टू पूरा भरा हुआ है, फुल लाइट। अब ट्रैफिक नहीं होगा, नहीं हाँ ये तो गौर सिटी वन का एंट्री गेट है, इधर साइड से है एक्चुअली, यहाँ से आप गौर सिटी टू और गौर सिटी वन दोनों जा सकते हैं। सामने मार्केट है, यहाँ पे गांव है जहाँ पे सस्ती मार्केट तो सब्जी वब्जी मिलती है, तो हम लोग सब्जी वब्जी यहीं से लेते हैं। यहाँ पे ये नया हॉस्पिटल भी बना है, ये दिस वन फ्यूजन जिसमें लिखा हुआ है। ओके नाउ सी दिस इज ओके, वेट फॉर अ मिनट, वी हैव टू कैप्चर दिस मोमेंट बाय दिस वन एंड देन दिस वन। कोई टाइम पे कितना मार्केट है, दिस इज द अल्टीमेट व्यू, दिस व्यू इज अल्टीमेट। दोनों तरफ बिल्कुल वो मंजिला इमारतें हैं और सारी इमारतें बिल्कुल दुल्हन की तरह से सजी हुई हैं। अभी यहाँ पर मार्केट लगी हुई थी लेकिन अब शायद मार्केट काफ़ी हट गई है, टाइम भी हो गया, वो 11 बजने वाले हैं। बट व्यू आप देखो यहाँ पे
अभी इसके अंदर ये के अंदर घुसो, यहाँ पे अलग व्यू आएगा पता है, दो सी टू के अंदर से यहाँ की मेन मार्केट, यहाँ पर ऐसी मार्केट लगी हुई है हरियाणा में फूल माला। ठीक है, ये आपका माहौल मार्ट है, ये है आपका गौर सी टू का गेट, गौर सी टू में एंटर करेंगे। अब यहाँ का भी देखो भाई, हाँ करना है तो ये यहाँ आपकी लोकल मार्केट का पहला डोसा है, एंड ये यहाँ का भी है, अब अलग ही व्यू है भाई यहाँ पे, ये तो पूरा अलग है, ऐसा लग रहा है इंडिया में। वैसे यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं, ग्रीनरी तो यहाँ पर है बट इन सब एरिया इज ना इन सर्टेन एरियाज है एक्चुअली, बट अगर आप गौर सिटी वन पे जाते हो ना तो जैसे आप एंट्री करो वहीं से आपको ग्रीनरी मिल जाती है। तो थोड़ा सा दिखता ही चाहिए क्योंकि उसमें टॉल ट्रीज नहीं है, ये वाले बहुत लंबे लंबे हैं, इसलिए थोड़ा हाँ इट माई बी द पॉसिबिलिटीज है एक्चुअली, बट यहाँ का व्यू बहुत ही डिफरेंट है राइट, एंड मैं कहता हूँ ना थोड़ा सा और ये देखिए इधर डीजे, ये डीजे तो यहाँ पे चल रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, ओ पार्टी, अच्छा नहीं अंदर चल रही पार्टी साइड बताए, एक बार यहाँ पर रोकोगे थोड़ा सा उतर के थोड़ा सा बिजनेस बनाते हैं। और तिवारी जी की चाय भी पी ली है, चाय पीनी तिवारी जी की, एक बार मैं ना जूम आउट कर देते हैं पूरा व्यू ऐसे देखो, चलो अब चलते हैं तिवारी जी का चाय पियेंगे उसके बाद फ्लैट पे। बट आज यहाँ पे अच्छा बहुत लग रहा है भाई, शॉप है इधर, क्या कहते हैं खड़ी कर कहाँ पे, नहीं तो उधर नहीं होता, सामने लगा देते ना, नहीं होता मैं कई बार।